एक महत्वपूर्ण सूचना, कान खोल के सुन लीजिए, अनमोल कहीं नहीं जा रही है, वहीं है रहे। और एक महत्वपूर्ण चेतावनी, अगर किसी ने अनमोल को घर से निकालने की कोशिश की या परेशान किया, ये देख रहे हैं ना बंदूकदार, इसको परमानेंट हीये रख दे। एक महत्वपूर्ण उपदेश और सुन लीजिए, आप खुद भाड़ में जाएंगे, हम आपको छोड़कर आएंगे। अरे कोई पत्नी अपने पति से ऐसे बात करता है? अब का करें, जब पति राक्षस बन जाए तो पत्नी को भी चंडी का रूप धारण करना पड़ता है। जय हो देवी माँ। हे पिंकी, चलो। पिंकी कहीं नहीं जाएगी अपना ससुराल छोड़कर। वो ये घर की बहू है और वो यही रहेगी। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग में खराब हो गया क्या? अरे अगर हमारा दिमाग सच में खराब हो गया ना तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। चलिए निकलिए यहां से। ए अंडर पॉइंटर लो, चलो तुम लोग भी निकलो। चलो निकलो बंदूकधारी लोग, चलिए निकलिए। सब गुड़ गोबर कर दिया इन्होंने। आह, चिंता मत करो बहन, टाटा वाली के पास हर मर्ज का दवा है, समझी? चलो। हे भगवान, अब घर में दूध और दुल्हन मौजूद है। अरे अम्मा, पहले भी बोल चुके हैं, दो नहीं डेढ़। माँ जी, करना कहाँ है? हमारा पक्ष कानूनी है और उनका गैर कानूनी, उनका कहे सुनेंगे? चलिए परचम की तैयारी करिए, दुल्हन का स्वागत करना है। ये शादी का नाटक तो हम सिर्फ अनमोल को दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब वो यहाँ मौजूद नहीं है तो क्यों करने दे रहे हैं हम ये पूजा आरती दादी को? अब अपना सास ससुर, अब बड़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद लो। चलो खुश रहो, खुश रहो।
हाँ ठीक है ठीक। सदा सुहागन रहो। ए लड़की रुको, तो बेसरमा पेड़ हो, सब कुछ जानने के बाद भी सौतन बनके हमारे बहू के सिना पे जम के बैठी हुई है। जब यहां हो तो कुछ काम भी कर लो। ठीक, बताइए क्या करना है। बाबा रे बाबा, ये तो कांड हो गया। तुमको बताना पड़ेगा कि आज हमारा बेटा बहू का सुहाग रात है, तो जाओ जाके थोड़ा कमरा सजाओ, बिस्तर बिछाओ, फूल लगाओ, जा। अरे अभी टुकुर टुकुर वहां का देख रही हो, जा जाके करो जो कहा है। सब नाटक था, पिंकी और ऋषि शादी नहीं की है। तुम लोग की शादी का जाली सर्टिफिकेट कहां से लाया? वो हम नहीं, जुगनी बनवाई है। जुगनी भी कम चंट नहीं है, पर तुम लोग का तरीका भी हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच बात तो ये है कि वो छुटकी लड़की और ऋषि का शादी, ये भी तो पसंद नहीं है हमको। वैसे भी एक ठिगनी लड़की और एक नॉर्मल लड़का का शादी सामान्य कहाँ माना जाता है? वही तो, इसीलिए हम ये सब किए हैं माँ जी। लेकिन मम्मी, झूठ मूठ का शादी ये तो गलत है। चुप रहो, तुम बच्ची हो, ये बड़ा लोग का मैटर में नहीं पड़ो, समझी? माना कि उन लोगों ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन गलत को सही करने के लिए हम भी गलत करें, फिर उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? सही कह रही है नीलम, पर एक बात बताओ तुम लोग, ये सब करने से पहले एक बार तो हम लोगों को भी बता देते। बाबा रे बाबा, ये तो कांडे हो गया। अगर बता देते तो आप लोग को झटका कैसे लगता? और इसी झटका की वजह से तो ये सब कुछ एकदम असली लगा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन समस्या का हल अभी निकला कहाँ है? वो ठिकनी अभी भी इस घर में मौजूद है। अरे अभी मौजूद है, लेकिन ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहेगी। काहे से कि भैया, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कांठों का सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और इस बौनी को तो हम ऐसा तीर चुभोएंगे, सौतन वाला ऐसा तीर चुभोएंगे कि बाप बाप करते यहां से भागेगी। भगवान करे तुम लोग का ये जो प्लानिंग है वो सफल हो जाए। हमको ये ठिगनी लड़की और उसका हुरार चाचा जो बात बात पे बंदूक उठा लेता है, छुटकारा मिले दोनों से। एकदम मिलेगा भैया, आप खाली देखते जाइए। चलिए दीदी, चल के इस बौनी को सौतन वाला स्विच होते हैं। चलिए आते हैं। हम और पिंकी
एक दूसरे से प्यार करते हैं, 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 और हम शादी कर चुके हैं, 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 शादी कर चुके हैं। तुम्हारा और ऋषि का शादी मान्य नहीं है, अनुमोद 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 मान्य नहीं है। जाके दूल्हे राजा ऋषि को दिया लो। अरे सुनो, आई सेंट लो, आज जाके हमरा पिंकी को दे आओ, जाओ। अरे जाओ जी। हम और पिंकी एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, और हम शादी कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं, शादी। तुम्हारा और तुम्हारा ऋषि का शादी, ऋषि का शादी, ऋषि का मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। उधर रख दो। चाची नदिया, तुम्हें लगा दो ना। अब उसे जाने दो ना। हाँ, तुम जाओ, हम लोग कर लेंगे। अच्छा, जाते जाते दरवाजा भी बंद कर देना। सोफा के पास हॉल में कुछ बातें करते। चल 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 चल। ऋषि, कम से कम दूध तो पी लो। अरे यार, तुम हमको और इरिटेट मत करो, बहुत डिफिकल्ट है ये सब। ऋषि, हमें नाटक तो करना पड़ेगा ना। अरे वही तो हम कह रहे हैं, ये नाटक ही डिफिकल्ट है। पता नहीं क्यों हम इन सब के लिए तैयार हो गए। अच्छा, तुम ज्यादा मत सोचो, चलो आओ आराम कर लो। तुम यहाँ नीचे सोओगे? हेलो,
हम ये सब कुछ नाटक कर रहे हैं। सच में हमारा शादी नहीं हुआ है तो हम साथ में क्यों सोएंगे? अरे बाबा, मेरा मतलब ये है कि तुम ऊपर सो जाओ, हम नीचे सो जाएंगे। नहीं, ठीक है, तुम ऊपर सो जाओ, हम नीचे सो जाएंगे। बाबा, ये तो कांड हो गया। अभी बेचारी कहां सोएगी? ऋषि के कमरे में तो ऋषि और उसकी पत्नी सो रही है। अरे तो गजबे हो गया, अभी बेचारी क्या करेगी? एक काम करो, जाओ जाके तुम रसोई में सो जाओ। काजी, सही कह रहे ना? अरे क्या बात कर रही हो जुगनी बहन, रसोई में तो हमारा नौकर दिलीप सोता है, ये कैसे सो सकती है वहां? अब ये क्या करेगी? कोई बात नहीं, हम पूजा घर में सो जाएंगे। अच्छा, अब जाओ। नहीं, टाटा वाले। तुमको एक बार में समझ में नहीं आता है कितना बार कहें तुमसे कि तुम ये घर का मेंबर नहीं हो, ये घर में रह रही हो, यही बड़ा बात है। पूजा घर में रहेगी, सोचना भी नहीं। ऐसा करो, तुम सोफा पे सो जाना, इतनी चुकी तो हो। अरे यार, इस सोफे में ही आती रहोगी, ये ठीक रहेगा। तुम इस सोफे पर सो जाओ, इतना में तो अटी जाएगी। न जाने कब अनमोल इस घर से जाने का फैसला करेगी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर अपने लिए कुछ करेगी। इसी की खातिर तो हम माने हैं इस नाटक वाली शादी को करने के लिए, ताकि अनमोल हमारे घर से जाए और अपना जिंदगी में आगे बढ़े। जाने कब मुमकिन होगा ये। नहीं ऋषि, आप कितना भी कोशिश कर लो हमसे रोखापन दिखाने का, लेकिन हम जानते हैं आप ये सब किसी कारण से कर रहे हो। चाहे जितना अत्याचार हो हम पर, हम अपना पति और अपना ससुराल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। काहे कि एक लड़की का डोली जिस घर आता है वहाँ से सिर्फ उसका अर्थ ही उठता है। हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अनमोल, दरवाजा खोल बेटा। अनमोल, दरवाजा खोल बेटा। ए जी, अरे नीलू मुठ। अनमोल, अरे बहुत गलत हो रहा है।
चाचा जी को हर बार हमारे ससुराल में आकर तमाशा बनाने से हमें रोकना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे चाचा जी की वजह से हमारे ससुराल में किसी को और तकलीफ हो। पता नहीं सबसे कब निजात मिलेगा हमें। जब देखो रात बेरात कभी भी आ जाता है वो डर की तरह। प्रसादी लाल दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। अरे खोलो दरवाजा। एक मिनट रुको। कोई डंडा है? चलो हमको डंडा दो, और जब तक हम आ नहीं जाते कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। चल दिखाओ हमको। खोलो दरवाजा। प्रसादी लाल अरे दरवाजा खोलो। अरे हम कह रहे हैं कि दरवाजा खोल दो, नहीं तो सच्चे में वो दरवाजा तोड़ देगा। अब खोलो दरवाजा। हमारा ससुराल में ये रोज का कलेश अब हम आपको करने नहीं देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नजारा।